तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपके चैनल पर 100+ सब्सक्राइबर हो गए तो आपके चैनल पर कस्टम यूआरएल आ जाता है, जिससे आप अपने चैनल का यूआरएल सेट कर सकते हो कि उसको किस टाइप से आपको रखना है, क्योंकि आपका यूआरएल आपके चैनल को कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी वहाँ पे नंबर या फिर कैरेक्टर हो सकते हैं। तो 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको एक कस्टम यूआरएल मिल जाता है, जिससे आप अपने चैनल पे अपना यूआरएल सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, और मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी कि क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे को डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। पर अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, घर पर आ गया हूँ, तो अब मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको डेली या डे टू डे अपडेट आपको मिलते रहेंगे मेरे वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, मेरा नाम है पराग और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैग बाय पराग में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना YouTube अकाउंट ओपन कर लेना है। अगर आप अपने फ़ोन से ओपन कर रहे हो तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है और उसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है सिंपली, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया है डेस्कटॉप साइट पे ओपन करने के। दोस्तों, अपना आपको अपना चैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे YouTube स्टूडियो पे चले जाना है। YouTube स्टूडियो पे आप जैसे ही जाओगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, YouTube स्टूडियो पे आओगे तो आपको यहाँ पे साइट पे आप देख सकते हो, इस साइट पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसमें चले जाना है। दोस्तों, इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। दोस्तों, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे चैनल URL आपको यहाँ देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको नीचे सेट अ कस्टम यूआरएल का भी सपोर्ट आपको इसमें देखने को। दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन तब आएगा जब आपके 100 या 100+ सब्सक्राइबर हो जाते हो, साथ में आपके चैनल 30 दिन या उससे पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे दोनों चीज़ें हैं, तो उसको मैं सिंपली कस्टम यूआरएल पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, मेरे को दो ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे कस्टम यूआरएल के लिए। एक पहले से यहाँ पे सेट है https://www.youtube.com/c/tag/byparag, चैनल मेरे चैनल का नाम आ गया। अब मैं इसके बाद कुछ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे अपने ऐड पे XYZ टाइप करके कुछ भी सेट कर सकता हूँ उस हिसाब से। और पर मैं चाहूँगा कि मेरे को इस हिस्सा ही बस चाहिए, बस टैग बाय पराग बस ही चाहिए। तो उसमें मेरे को सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पब्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्मेशन के बाद दोस्तों, आपका कस्टम URL सेट हो चुका है। दोस्तों, एक है आपका ऊपर वाला URL, आपको ये वाला जो दिख रहा होगा ये, और सेकेंड नीचे कस्टम URL। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपको देखने मिल रही होगी। आप दोनों ही चीज़ें यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगा, आपको सेम रिजल्ट देखने मिलेगा। पहले मैं आपको फर्स्ट वाला बता देता हूँ, तो ये फर्स्ट वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं गूगल पे जाऊँगा और गूगल पे जाके मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, मेरा ही चैनल ओपन हो रहा है। दोस्तों, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। तो दोस्तों, सेकंड लिंक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं गूगल पे फिर से मैं जाऊँगा और उसको यहाँ पे सिंपली फिर से पेस्ट करके मैं एंटर कर दूंगा। दोस्तों, सेम रिजल्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। दोस्तों, सेम टाइम पे भी मेरा चैनल ओपन हो रहा है। यहाँ पे जाके आप इस तरीके से आप अपना कस्टम URL सेट कर सकते हो, दोनों लिंक आपकी वर्क करेगी। और ये जो सेकंड लिंक जो होती है दोस्तों, ये वाली, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन www के बाद ये टैग बाय पराग लिखेगा तो मेरा चैनल खुल जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, आप अपने चैनल पर कर सकते हो। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि आपको कस्टम URL कैसे सेट करना है, और बहुत ही इजी वे में मैंने बता दिया कैसे आप सेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।